नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और रेवा सॉफ्टटेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम स्पीड प्लस के सॉफ्टवेयर में पार्टी कैसे क्रिएट करेंगे। इसके पहले हमने देखा है कि हम अपनी आइटम लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये हमने कंपनी बनाई हुई थी, ठीक है। इसके बाद इस कंपनी पे सिंपली डबल क्लिक कीजिए, आईडी पासवर्ड एंटर कीजिए। ये हमने लॉगिन कर लिया, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ था कि आइटम सेक्शन में जाने पर हमारे आइटम्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर हमको एक साथ पूरी पार्टियां बनानी है जिनसे हम खरीदारी करते हैं, यानी कि जो हमारे सप्लायर हैं वो भी और जो हमारे कस्टमर हैं वो भी, तो हमको सिंपली क्या करना है, अब जाना है हमारे अकाउंट सेक्शन पे। ये जो आपको अकाउंट सेक्शन दिख रहा है, इसमें न्यू में क्लिक करना है आपको, ठीक है। न्यू में क्लिक करने के बाद ये अपन अकाउंट क्रिएशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताता हूँ कि परचेज वाली पार्टी का नेम जो भी रहता है। सपोज दैट मैं यहाँ पे परचेज करता हूँ, अमित एंड कंपनी से, ठीक है जी। अब ये मैं इनसे परचेज करता हूँ, यानी कि ये मेरे लिए क्या हो जाएंगे, सप्लायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको सप्लायर सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं तो यहां पर आपको क्या ले लेना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लेना है। दोनों का मतलब सेम ही होता है, हमने केवल इसको यूजिंग के हिसाब से इजी कर दिया हुआ है ताकि आप समझ आसानी से जा सकें, ठीक है जी। तो यहां पे हमने सप्लायर ले लेना है, ठीक है। अगर उनका कोई आपका पुराना बैलेंस है तो वो यहां पे डाल दीजिए। यहां पर उनका जीएसटी नंबर डाल देना है, जो भी जीएसटी नंबर होगा उनका, ठीक है जी। अगर गलत डालेंगे तो वो रेड कर देगा। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर उनका एड्रेस डाल देना है, यहाँ पर सिटी डाल देनी है, जो भी पिन कोड होता है वो डाल देना है, एंटर। यहां पर उनका स्टेट डाल देना है, ठीक है जी। मोबाइल नंबर जो भी उनका, तो मोबाइल नंबर यहां पर डाल देना है आपको। ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट पर्सन, आप उस कंपनी में पर्टिकुलर किस व्यक्ति से बात करते हो, है ना, तो उसका कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम भी डाल सकते हो, पैन कार्ड वगैरह डिटेल्स डाल सकते हैं। इसके अलावा यहां पर एक सेटिंग का ऑप्शन है जिसमें आपको अगर पार्टी की बैंक डिटेल रखनी है तो बैंक डिटेल रख सकते हो, ठीक है। आधार कार्ड की डिटेल अगर मेंटेन करनी है तो वो रख सकते हो, ठीक है। ड्रग लाइसेंस वगैरह अगर आपको रखना है वो रख सकते हो। बर्थडे या एनिवर्सरी की डिटेल्स रखनी है तो वो आपको यहाँ से ऑन कर लेना है सिंपली, ठीक है जी। जैसे आप उसके बाद सिटी के बाद एंटर करेंगे तो आफ्टर फोन नंबर ये आपको पूछेगा कि बर्थडे डेट क्या है, एनिवर्सरी डेट क्या है, बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ठीक है जी। मेंटेन बिल बाय बिल पे आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है, चेक मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी क्रेडिट डेज वगैरह अगर आपको मेंटेन करना है तो ये सारी डिटेल्स आप रख सकते हो। और अगर आपको ये सारी डिटेल्स नहीं चाहिए तो सिंपली इसको यहाँ पे कट में क्लिक कीजिए, ठीक है जी। यहाँ से एक मिनट, ये एंटर, ये, ठीक है जी। और उसके बाद सिंपली सेव कर दीजिए। तो ये आपकी कौन सी पार्टी हो जाएगी, परचेज की पार्टी। अब अगर आपके कस्टमर आपको सेल करना होता है, जो आपके कस्टमर होते हैं उनकी डिटेल्स बनानी है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन ने बना लिया, ठीक है, ये बना दिया विजय सेल्स एंड कंपनी, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या लेना है, आपको कस्टमर लेना है, ठीक है जी।
यहाँ पर कस्टमर सेलेक्ट करना है। अगर कस्टमर का कोई प्रीवियस बैलेंस है, मान लीजिए मैंने बोला कि 1 लाख रुपए उनका प्रीवियस बैलेंस था, तो मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया 1 लाख रुपए। यहाँ पे जो भी जीएसटी नंबर वगैरह देना है तो आप जीएसटी नंबर दे सकते हैं, उनका एड्रेस डाल देना है, सेम थिंग बाकी रहेंगी। केवल आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये ग्रुप का जो ऑप्शन है, कि यहाँ पर अगर आप परचेज वाली पार्टी ऐड कर रहे हो तो सप्लायर लेना है, और अगर आप सेल वाली पार्टी ले रहे हो तो यहाँ पर कस्टमर लेना है, ठीक है जी। बाकी सारी डिटेल सेम रहनी है, इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हमको ये पार्टीज की देखनी है कि हमारी टोटल पार्टीज कितनी है, क्या लिस्ट है, तो यहाँ पर आप सिंपली व्यू लिस्ट में क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आपके पूरे जो प्री डिफाइंड अकाउंट्स होते हैं वो भी दिखेंगे। जैसे मैंने अमित एंड कंपनी बनाया था तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगर जीएसटी नंबर डाला होता तो वो भी दिखता। अब इन केस मान लीजिए केवल आपको क्या करना है कि केवल आपको कस्टमर देखने हैं, तो यहाँ पर हमने सर्च का बटन दिया हुआ है, सर्च में क्लिक कीजिए, यहाँ ग्रुप में लिख दीजिए कस्टमर, ठीक है, और ये सर्च के बटन पे क्लिक कीजिए, तो ये देखिए उस ग्रुप के सारे आपको क्या मिल जाएंगे, लिस्ट आ जाएगी, केवल कस्टमर्स की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, है ना। ये विजय सेल्स एंड कंपनी हमने बनाया था, ये कस्टमर का ग्रुप था, सिटी डाली हुई है, मोबाइल नंबर, ओपनिंग बैलेंस देखिए हमने 1 लाख रुपए ये डाला हुआ था, तो ये आ रहा है, ठीक है जी। इस तरीके से आप अपनी पूरी पार्टियां बना सकते हो और पूरी अपनी यहाँ से लिस्ट वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको अब सेल बिल कैसे बनाना है। हमने कंपनी क्रिएशन देख लिया, आइटम क्रिएशन देख लिया, पार्टी क्रिएशन देख लिया कि कैसे हमको पार्टी बनानी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे आपको कि आपको सेल बिल कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।